एचपी में आप सभी का स्वागत है। तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। तो इस दिवाली में आपके लिए एक मीठी रेसिपी लेके आया हूँ। दिवाली का टाइम चल रहा है तो मीठा तो बनता ही है, तो इसलिए मैं आप सबके लिए कलाकंद की रेसिपी लेके आया हूँ। तो जो मेरे चैनल पे नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करके बताए आपको ये रेसिपी कैसी बनी, और फटाफट जाओ इस वीडियो को बनाओ और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए। नैन की रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले कलाकंद। कलाकंद बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो फुल क्रीम दूध। यहाँ हमने आधा कप में 100 ग्राम चीनी लिया है और 300 ग्राम पनीर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आधा किलो फुल क्रीम दूध डालेंगे। एक बात का ध्यान रखें, कलाकंद की मिठाई बनाने के लिए हमें फुल क्रीम दूध ही यूज करना है और कोई दूध नहीं। दूध डालने के बाद हमें दूध को अच्छी तरह उबालना है जब तक दूध आधा किलो से 250 ग्राम ना बन जाए। दूध उबलने के बाद बीच बीच में दूध को हिलाते रहना, नहीं तो नीचे से दूध हमारा लग जाएगा। और दूध नीचे से लग गया तो जला जला टेस्ट आएगा और आपका कलाकंद एकदम खराब हो जाएगा। तो दूध को बीच बीच में जरूर हिलाते रहें। दूध को कम से कम हमें 10 से 15 मिनट तक उबालना है। जब तक हमारा दूध उबल रहा है, जब तक हम पनीर का छेना बना लेते हैं। हमने यहाँ 300 ग्राम मलाई पनीर लिया है, आप चाहे तो कोई भी पनीर ले सकते हो। एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप पनीर खरीदते हो बाजार से तो आपका पनीर फ्रेश होना चाहिए। जो फ्रेश पनीर होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। सभी पनीर को अच्छी तरह तोड़ के मैश करना है। कलाकंद बनाते समय एक बात का ध्यान रखें, पनीर को आपको अच्छी तरह पीसना है जिससे उसका दरदरापन एकदम ख़त्म हो जाए। हमने अपना पनीर अच्छे से मैश कर लिया है। आप देख सकते हो पनीर हमारा पहले से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया और इसमें मोटे मोटे गुठली वालेपन बिल्कुल नहीं है। इस तरह मैं उंगली से चेक करके देख रहा हूँ हमारे पनीर में गुठली तो नहीं है। हमारे पनीर में एक भी गुठली नहीं है। हमने पनीर को अच्छी तरह मैश कर लिया है। अब हम इसका एक डो बना लेंगे, जैसे आटे का डो बनाते उसी तरह। एक बार और देख लीजिए, पनीर हमारा अच्छी तरह मैश हो चुका है। देखो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है हमारा पनीर। इसी तरह हमें अपना पनीर का डो तैयार कर लेना है कलाकंद के लिए। कलाकंद में डालने के लिए छेना हमारा एकदम रेडी हो चुका है। अब हम दूध देखते हैं दूध हमारा कितना उबला हुआ है। हमारा दूध उबलते हुए कम से कम 6 से 7 मिनट हो चुका है। अभी भी हमें 10 मिनट तक और उबालना है अपने दूध को। आप देख सकते हो दूध हमारा 200 ग्राम हो चुका है। एक तरफ हमने दूध जब डाला था तो दूध हमारा वाइट था बिल्कुल। अब देखिए दूध का कलर एकदम चेंज हो चुका है। इसी तरह आप दूध को कम से कम 16 से 17 मिनट तक उबाल लीजिए। उबालते टाइम एक बात का ध्यान रखें, दूध को आपको बीच में हिलाते रहना है जिससे आपका दूध जले ना। दूध को हमें ज़्यादा नहीं उबालना, दूध हमारा एकदम खोए जैसा हो चुका है। अब हम इसमें 100 ग्राम चीनी डाल देंगे। जब आप चीनी डालोगे तो दूध हमारा एकदम पतला हो जाएगा क्योंकि हमारी चीनी पिघल जाएगी, इसलिए हमें दूध को कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए पका लेना है। जब हम चीनी को आराम आराम से मिलाएंगे तो दूध हमारा पतला होने लग जाएगा। आप देख सकते हो दूध हल्का हल्का पतला हो चुका है पहले से। बस 5 मिनट तक और पकाएंगे हम अपने दूध को, जब तक इसमें से बुलबुले ना आने स्टार्ट हो जाए। 5 मिनट हो चुका है और दूध में से बुलबुला आना स्टार्ट हो चुका है। अब हमारा छेना डालने का समय आ चुका है। अब हम इसमें सभी छेना डाल देंगे जिसे हमने पहले से मैश करके रखा हुआ था। छेना डालने के बाद आप इसे अच्छी तरह मिला लीजिए। छेना डालने के बाद अब हमें इसे 5 मिनट के लिए पकाना है जिससे दूध में छेना हमारा अच्छी तरह सेट हो जाए। छेना डालने के बाद आपको इसे अच्छी तरह मिलाते रहना है, बीच बीच में रुकना नहीं है। दूध में छेना हमारा अच्छी तरह सेट हो चुका है। आप देख सकते हो धीरे धीरे ये गाढ़ा भी हो चुका है पहले से। जब आपका छेना अच्छी तरह पक जाए तो उसमें दरदरापन आना स्टार्ट हो चुका होगा। दाने दाने जैसे दिखेंगे आपको छेना में से। इस तरीके से आप पहचान जाओगे कलाकंद हमारा एकदम रेडी हो चुका है बनके। कलाकंद हमारा एकदम हलवाई जैसा बना, एकदम दाने दाने जैसे आप देख सकते हो, खिले खिले। अब हम किसी भी प्लेट में से डाल के सेट करेंगे।
यहाँ मैंने एक छोटी चकोर प्लेट लिया, आप चाहे तो कोई भी प्लेट ले सकते हो, घर में खाना है तो आप कोई भी प्लेट यूज़ कर सकते हो। प्लेट में हम चारों तरफ से ऑयल लगा देंगे। यहाँ हमने देसी घी का इस्तेमाल किया, आप चाहे तो कोई भी घी ले सकते हो। घी को हमें चारों तरफ प्लेट में लगाना है, क्योंकि घी लगाने से जब हम कलाकंद निकालते हैं तो हमारा कलाकंद टूटे ना। कलाकंद हमारा ठंडा होने के बाद ख़राब हो जाएगा, इसलिए हमें गरम गरम में ही हमें प्लेट में सेट करना होता है। कलाकंद को अच्छी तरह प्लेट में सेट कर लीजिए। आप चाहे तो यहाँ कोई भी प्लेट ले सकते हो, आपको घर में खाना है। कलाकंद को कम से कम हमें 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ देना है। और आप देख सकते हो कलाकंद हमारा एकदम हलवाई जैसा, दाने जैसा बना हुआ है। इसी तरीके से आप बना लेना कलाकंद को, और कम से कम 2 घंटे के लिए अब हम फ्रिज में रख देंगे कलाकंद को। आप देख सकते हो कलाकंद हमारा अच्छी तरह सेट हो चुका है। कम से कम मैंने इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखा हुआ था और एकदम हलवाई जैसा खिले खिले दानेदार बना है हमारा कलाकंद। अब हम चाकू की मदद से कलाकंद को काट लेंगे। कलाकंद को आप कोई भी शेप में काट सकते हो, जैसा आपको पसंद है उस शेप में काट के निकाल लीजिए। हमने अपने कलाकंद को एकदम चकोर शेप में काट लिया, आप देख सकते हो। अब हम इसे एक पीस निकाल के आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं एकदम हलवाई स्टाइल कलाकंद बन के रेडी हो चुका है। एकदम दानेदार और खिले खिले कलाकंद बने हैं हमारे। तो जाओ आप ही इस दिवाली ये कलाकंद की रेसिपी बनाओ और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए। और जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी नई नई वीडियो आप तक पहुँच जाए। We'll be right back.